Yes girls, welcome back to my channel. It's Makeover Time and it's me Arpita. तो आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ रिव्यू बेस्ट एंड अफोर्डेबल मेकअप सेटिंग स्प्रे का. यस, दिस इज ब्लू हेवन मेकअप फिक्सर. बट बिफोर गोइंग इनटू द वीडियो, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है. अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज टू सब्सक्राइब एंड यस ऑल्सो टैप द बेल आइकन नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन, ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं उनकी नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलते रहे, मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो. और अगर आप चाहें तो मुझे मेरे सोशल मीडियाज में भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं. ओके, नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो बात कर लेते हैं इसकी आउटर पैकेजिंग की. तो ये इस तरह के कार्डबोर्ड आउटर पैकेजिंग के साथ आता है, विच रियली लुक्स रिच एंड रॉयल जस्ट बिकॉज ऑफ कलर कॉम्बिनेशन. ये इस तरह के मेटेलिक पर्पल एंड सिल्वर कलर के कॉम्बिनेशन में होता है. ब्लू हेवन मेकअप फिक्सर मिस्ट स्प्रे ऑन फॉर्मूला इज रिटन ओवर हियर एंड दिस इज पैराबेन फ्री. इट हैज द गुडनेस ऑफ एलोवेरा, विटामिन ई एंड विटामिन B5. इसका एक्चुअल प्राइस है 300 रुपीज, जो कि अफोर्डेबल है, बट ऑन डिस्काउंट आपको नाइका पर्पल फ्लिपकार्ट पे ये इजिली 250 रुपीज के अराउंड मिल जाएगा. तो आप खुद सोच सकते हैं कितना ज्यादा अफोर्डेबल है ये मेकअप सेटिंग स्प्रे. इसकी शेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स की, आप इसे 2 साल तक यूज कर सकते हैं. एंड इसमें मिलता है आपको 100 ml ऑफ द प्रोडक्ट, बट ये न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट ही मैंने परचेज किया था एंड आई गॉट 15% एक्स्ट्रा. सो फाइनली आई गॉट 115 ml ऑफ द प्रोडक्ट. इट इज पैराबेन फ्री प्रोडक्ट, विच इज अ प्लस पॉइंट. बट जब हम इसके इंग्रेडिएंट्स में देखते हैं, सो इट हैज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, विच इज अ डाउन साइड फॉर मी, कॉज अल्कोहल टेंड्स टू ड्राई आउट द स्किन. बट इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे इन्होंने यूज किया है हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल, जो कि काफी अच्छी तरह से बैलेंस मेंटेन करेगा एंड आपकी स्किन को ड्राई नहीं करने देगा और हेल्प करेगा आपके मेकअप को लॉन्ग टाइम तक स्टे रखने के लिए और लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा आपके मेकअप को. इसकी आउटर पैकेजिंग काफी सिमिलर है इसके प्राइमर के. अब बात कर लेते हैं इसकी इनर पैकेजिंग की. तो इस तरह से ये स्टडी प्लास्टिक पर्पलिश सिलेंड्रिकल बॉटल में आता है. लाइट वेट ही है, मैं कहूँ तो बहुत ज्यादा बल्कि भी नहीं है और ट्रैवल फ्रेंडली है, ट्रैवल सेफ है, आप इसे इजिली कैरी कर सकते हैं ड्यूरिंग ट्रैवल भी. इसमें मिलती है आपको 2 कैप्स इस बॉटल में, जो लार्जर वन और आउटर मोस्ट कैप है वो इस तरह से है एंड जो इनर मोस्ट कैप है वो इस तरह से, जो काफी अच्छी तरह से सेफ रखती है इस नोजल को. यस, तो अगर एक कोई कैप भी खो जाती है आपके पास से, मिस हो जाती है, तो आप यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट, आपके पास एक दूसरी कैप जो है इसकी वो अवेलेबल रहेगी. की इनर पैकेजिंग में वही सारी डिटेल्स मेंशन है जिसकी आउटर पैकेजिंग में थी. सो इन केस अगर आप इसका आउटर पैकेजिंग के साथ इसे नहीं रखना चाहते, स्टोर नहीं करना चाहते, या आउटर पैकेजिंग खो जाती है, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट. इसके आपको बॉटम में इस तरह से इसकी शेल्फ लाइफ, इसका प्राइस, एवरीथिंग मिल जाएगा. यूजिंग दिस प्रोडक्ट सिंस लॉन्ग और मुझे काफी ज्यादा पसंद है ये प्रोडक्ट. मैं अपना फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूंगी. जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था, अपने फेस पर स्प्रे किया था, तो मैंने कुछ ज्यादा ही क्वांटिटी में, ज्यादा ही अमाउंट में इसे स्प्रे कर लिया था फेस पर और फेस काफी ज्यादा स्टिकी लग रहा था मेरा. देन नेक्स्ट टाइम मैंने प्रॉपर डिस्टेंस में ही इसे रखकर अपने फेस पर स्प्रे किया था एडिक्वेट अमाउंट पे. सो मेरा फेस बिल्कुल भी स्टिकी नहीं लगा था और काफी हेल्पफुल लगा था ये मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाए रखने में. बात करें इसकी इफेक्टिवनेस की, तो वेदर पे भी डिपेंड करता है. अगर समर टाइम में हॉट एंड ह्यूमिड वेदर है, आपको काफी ज्यादा स्वेटिंग होती है, ऑयली स्किन, आपकी स्किन टाइप पे भी डिपेंड करता है, तो ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा. यस, इफेक्टिव रहेगा 4 to 5 hours तक, बट विंटर्स में जब भी मैं इसे यूज करती हूँ तो ये काफी लॉन्ग टाइम तक मेरे मेकअप को डल नहीं होने देता है, लॉन्ग लास्टिंग बनाता है. जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने इसे टेस्ट किया था, तो ये 8 to 9, 9 to 10 hours तक भी मेकअप को एज इट इज रखता है, बिल्कुल भी डलनेस नहीं आने देता है. इवन जो भी मैंने फाउंडेशन कॉम्पैक्ट, इवन आई शेडोज भी जो मैंने यूज किए थे, वो काफी अच्छी तरह से पिगमेंटेड लग रहे थे. जनरली ऐसा होता है कि मैं कोई आई शेडो यूज करती हूँ और कुछ टाइम के बाद वो काफी ज्यादा फेड हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं. इसकी हेल्प से जो मेरा मेकअप था वो लॉन्ग लास्टिंग तो बना ही, जो आई शेडोज, जो ब्लश मैंने यूज किया था वो प्रॉपरली विजिबल हो रहे थे. इस मेकअप सेटिंग स्प्रे को आप बिफोर मेकअप और आफ्टर मेकअप भी यूज कर सकते हैं. ये काफी अच्छी तरह से हेल्प करेगा आपके फेस पर जो पाउडरीनेस है उसे रिमूव करने में. लाइक हम कॉम्पैक्ट यूज करते हैं पाउडर, कॉन्टूर, ब्लश, हाइलाइटर, तो जो भी पाउडरीनेस हमारे फेस पर दिखाई देती है वो रिमूव हो जाती है, इवन दिखाई देने लगता है हमारा फेस आफ्टर मेकअप. यहाँ पर मेंशन है डायरेक्शंस फॉर यूजेस, सो मैं आपसे शेयर करती हूँ. यूज इट बिफोर और आफ्टर पुटिंग मेकअप. क्लोज योर आईज, होल्ड द बॉटल 20 to 24 cm अवे फ्रॉम फेस एंड स्प्रे. वेट टिल इट ड्राइज फॉर बेस्ट रिजल्ट. टू रिमूव द मेकअप, वॉश इट विद सोप एंड वॉटर. एंड अब मैं शेयर करती हूँ इसका डेमो. सो एक सर्टेन डिस्टेंस पे मैंने इसे रख लिया है 20 to 24 cm एज इट इज मेंशन इन द बॉक्स. एंड मैं इसे स्प्रे करूंगी अपनी आईज में, क्लोज कर रही हूँ. एंड
दैट्स इट। मैं इसे नेचुरली ड्राई होने दूंगी, आप चाहे तो किसी डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी डैब डैब करके इसे ड्राई आउट कर सकते हैं। इसका जो एक नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है, इसकी अल्कोहलिक जो फ्रेग्रेंस है, स्मेल है वो, बट डोंट वरी, ये इमिडिएटली रिमूव भी हो जाती है। ओके, तो इस तरह का फिनिश मिलता है आपको। मैंने कोई भी हाइलाइटर यूज नहीं किया है अपनी स्किन पर। आप देख सकते हैं इस तरह का ड्यूई ग्लोई फिनिश मिलता है। अगर आप अंडर रुपीज 300-250 रुपीज के अराउंड कोई मेकअप सेटिंग स्प्रे लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी। आपके मेकअप किट में तो ये प्रोडक्ट होना ही चाहिए, क्योंकि काफी अच्छी तरह से ये वर्क करता है। इसकी वर्किंग बिल्कुल ऐसी है जैसे कि कोई हाई एंड मेकअप सेटिंग स्प्रे होता है। सो इतने अफोर्डेबल प्राइस में आपको इतनी अच्छी सर्विस वाला मेकअप सेटिंग स्प्रे मिल रहा है, तो मेरे लिए तो ये मस्ट बाय प्रोडक्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा। और अगर पसंद आया है तो प्लीज हिट ऑन द लाइक बटन, कमेंट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑल्सो। प्लीज टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो टैप द बेल आइकन नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन फॉर नोटिफिकेशन अबाउट माई अपकमिंग अपलोड्स। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।